Facts. आसमान ये कितना सुंदर है ना। जब कभी हम आसमान की ओर देखते हैं, हमें अलग ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम बादलों की तरफ देखते ही रहे। इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब हम आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं। लेकिन जरा रुक जाओ, मेरे मन में पक्षियों को देखकर एक सवाल आ रहा है, क्या होगा अगर पक्षी का आकार एरोप्लेन जितना हो जाए? ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी? हमें इनसे बचने के लिए क्या क्या करना होगा? क्या वो हमारे दोस्त बन सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इफ बर्ड्स वर द साइज ऑफ एन एरोप्लेन। अभी अभी मेरे मन में जो बर्ड्स को लेकर सवाल आया, क्या वो सचमुच पॉसिबल है? मतलब पृथ्वी के इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा पक्षी मौजूद था जिसका आकार एरोप्लेन से भी बड़ा था? तो इसका जवाब है हाँ। उस बर्ड का नाम है पिलगोर्निस सेंडर्सी। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले ये प्रजाति आसमान में राज करती थी। एक एवरेज साइज पिलगोर्निस सेंडर्सी का विंग स्पैन 7.4 मीटर तक का होता था। मतलब देखा जाए तो किलर व्हेल जो गहरे समुद्र में मौजूद है, उसी साइज का विंग स्पैन आज से 2.5 करोड़ साल पहले पिलगोर्निस सेंडर्सी का हुआ करता था। साइज के हिसाब से ये बर्ड्स आज के समय में मौजूद बिजनेस जेट जितना हुआ करते थे। अब जरा सोचो, आप अफ्रीका के जंगल में घूमने के लिए गए हो, आपने कई तरह के एनिमल्स देखे, लेकिन जब आप एलिफेंट को देख रहे थे तब ठीक आपके ऊपर से एक शैडो पास हुआ और अगले ही पल एक विशाल बर्ड उड़ते हुए आती है और अपने पंजों में एलिफेंट को लेकर वापस उड़ जाती है। उस बर्ड की मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसके आने पर आसपास की हवा बहुत ही तेज हो गई। तो आप जरा सोचो, अगर आप ऐसी दुनिया में रहते जहां बर्ड्स की साइज एरोप्लेन साइज जितनी होती तो आपका क्या हाल होता? आज की दुनिया में सबसे विशाल बर्ड का नाम है इंडियन कॉन्डोर। इसका विंग स्पैन तकरीबन 10 फीट जितना होता है। पक्षियों की ये प्रजाति ज्यादातर साउथ अमेरिका में देखी जाती है। अगर इंडियन कॉन्डोर प्लेन के साइज की होती तो हमें इससे भारी नुकसान होता। मतलब अगर ये बर्ड जमीन पर लैंडिंग करने की कोशिश करती तो ये पूरे गांव को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि जब ये इंडियन कॉन्डोर आएगा तब हमें इससे ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि वल्चर की ये एक प्रजाति है जो जिंदा एनिमल्स को नहीं खाती है। गोल्डन ईगल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बर्ड न सिर्फ तेज होते हैं बल्कि इनके पाव और नाखून काफी पावरफुल होते हैं। कहीं मैं आपको आंखों के बारे में बोलना तो नहीं भूल गया? एक नॉर्मल गोल्डन ईगल 5 किलोमीटर की ऊंचाई से रैबिट को स्पॉट कर सकती है। अगर ये बर्ड एरोप्लेन के साइज जितनी हो जाए तो ये अपने साथ किसी भी साइज के एलिफेंट को ले जा सकती है। हालांकि हमें सबसे ज्यादा खतरा गोल्डन ईगल से नहीं बल्कि पेरेग्रीन फैल्कन से होगा। जी हाँ, ये एक माहिर शिकारी बर्ड है जो दुनिया के बड़े हिस्सों में पाई जाती है। कई बार इन्हें बिल्डिंगों की ऊंचाइयों पर भी देखा गया है। ये पक्षी न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी शिकार करती है। पर क्या आपको पता है, जब ये पक्षी अपने शिकार को देखती है तब ये उसकी तरफ 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है, जो किसी रेसिंग कार के बराबर होती है। अगर ये पक्षी की साइज एरोप्लेन के साइज जितनी हो जाए तो इसकी रफ्तार आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पेरेग्रीन फैल्कन की स्पीड रफेल के स्पीड से 3 गुना ज्यादा होगी। जमीन पर तो हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन क्या हम समुद्र में आराम से रह सकेंगे? नॉर्दर्न गैनेट, पक्षियों की ये प्रजाति हमेशा समुद्र के ऊपर उड़ती ही रहती है। जैसे ही ओशन के सरफेस पर इन्हें कोई शिकार दिखाई देता है, ये पक्षी बड़ी ही तेजी से ओशन में डाइव लगाकर अपने शिकार को पकड़ लेती है। ज्यादातर ये छोटी मछलियां होती है, लेकिन एरोप्लेन साइज का नॉर्दर्न गैनेट छोटी मछलियां नहीं बल्कि शार्क्स का भी शिकार कर सकती है। दिन के समय में इन्हीं की वजह से ओशन में बोट चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम बर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं।
लेकिन रात को क्या हम चैन की नींद सो पाएंगे? हाँ कहना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रात के समय में आउल और नाइट हॉक जैसे बर्ड आपका पीछा कर रहे होंगे। आप आउल से बच नहीं पाओगे। इसके पीछे दो रीजन है। पहला, आउल अपनी नेक को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, मतलब आप जिस किसी भी दिशा में भागोगे आउल आपको देख सकेगा। और दूसरा, जब आप भाग रहे होगे तब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आउल आपका पीछा कर रहा है या नहीं, क्योंकि आउल उड़ते समय कोई भी आवाज नहीं निकालता है। तो अब आप ही सोचो कि एरोप्लेन साइज के बर्ड्स हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें इससे कोई फायदा हो सकता है? ये हमारे कितने काम आ सकते हैं? अगर कोई बर्ड एरोप्लेन के साइज जितना हो जाए तो हम उसके फेदर से काफी कुछ बना सकते हैं। बस 2-3 फेदर ही काफी होंगे बारिश से हमारे घर को बचाने के लिए। एरोप्लेन के साइज वाले बर्ड्स की सामान उठाने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। हम इनकी मदद से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई देश इन्हें वश में करके वॉर में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करे। एरोप्लेन के साइज वाले बर्ड्स की दुनिया में हम इंसानों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, इसलिए ऐसी दुनिया हमारे इमेजिनेशन में रहे वो ही ज्यादा बेटर होगा। क्यों, सही कहा ना? हाय गाइस, दिस इज जयरा गनात्रा। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।